फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी, जिसमें हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिखने का कौशल। इससे पहले हम पढ़ रहे थे, वो हमारा था भाषा कौशल, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन था वो भाषा। और इसी के हम भेद पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे चार भेद थे। और कौन कौन से भेद थे, जिसमें था हमारा पहला बोलना और दूसरा पढ़ना, जो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा था हमारा लिखने का कौशल। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा सुनने का कौशल। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था बोलने का कौशल। आपने ये देखा कि बोलना भी एक लय से होना चाहिए, और सभी विद्यालयों में पहले बोलना सिखाया जाता, तदुपरांत लिखना सिखाया जाता है। लेकिन मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में पहले लिखने से आरंभ किया जाता है वहां पर। फिर हमने पढ़ा था पढ़ने का कौशल। पढ़ने का कौशल में हमने देखा था कि पढ़ना भी एक लयबद्ध होना चाहिए, और इसके दो रूप देखे थे, एक था मौखिक पठन और दूसरा था मौन पठन। मौन पठन में हमने मन ही मन को देखा था, और मौखिक पठन में चार भेद और थे, उसमें था व्यक्तिगत, सामूहिक, आदर्श और अनुकरण। ये पठन के अंतर्गत देखे थे। आज हम देखेंगे लिखने का कौशल। लिखने का कौशल क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं। रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। रचना अर्थात जो आप लिखते हैं, रचना किसी चीज की रचना, कविता, पोयम, जो निबंध वगैरह होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि रचना भाव एवं विचारों को कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है, तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, आप जैसे निबंध लिखते हैं तो आप उसमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आप बोलते नहीं हैं, लेकिन वरन उन्हीं शब्दों को आप लिखते हैं। तो ये अगर लयबद्ध हो तो ये आपका लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, लेखन में वर्तनी का वाचन में उच्चारण का महत्व। अगर लिखते हैं तो आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, मात्रा शुद्ध होनी चाहिए, बल्कि उच्चारण में जब आप बोलते हैं, वाचन में आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि लिखने में आपके अक्षरों पर ही पूरा ध्यान जाता है, जबकि वाचन में आप जो बोलते हैं यानी कि स्वर उच्चारण में उसका असर दिखाई देता है। लेखन की कला स्थायित्व का अंग है। आप जो लिख के रखते हैं वो पर आगे के भविष्य के लिए एक स्थायी साहित्य का काम करता है, वरन जो आप बोलते हैं वो साहित्य के रूप में नहीं है, जो वर्तमान समय चल रहा है केवल उतने तक ही सीमित रहता है। तो लेखन में सोचने तथा चिंतन के लिए अधिक समय मिलता है। जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको वक्त मिलता है, आप सोच लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, उससे रिलेटेड शब्दों को सोच लेते हैं कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। वरन आप जब भाषण देते हैं, वाचन करते हैं या बोलते हैं, तो क्या होता है, आपको समझने का मौका नहीं मिलता। आप अपनी भाषा को एक लयबद्ध के तरीके से सतत उसी प्रवाह में आपको बोलना होता है, इसलिए बोलना ज्यादा कठिन होता है लिखने की अपेक्षा। अगर एक सरल तरीके से परमानेंटली भाषण के रूप में जैसे होता है ना कि लगातार बोलते चले जाए, उस बेस पर अगर बोलना है तो वो बोलना कठिन होता है, क्योंकि उसमें धारा प्रवाह बोलना होता है, भावनाओं व्यक्तियों को शब्दों के माध्यम से इतने सटीक तरीके से रखना पड़ता है कि वो सामने प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थित होकर सामने जो लोग हैं उन्हें समझ में आए। फिर यह लेखन की अशुद्धियां पाठकों तथा आलोचकों की दृष्टि से बच नहीं सकती। अगर आपके लिखने में थोड़ी सी त्रुटि होती है तो आपके आलोचक भी बहुत है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आएगी आलोचक आपकी त्रुटियों को निकाल कर उसे उजागर करेंगे। लेकिन वाचन में क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत त्रुटि आपसे हो जाती है तो वो उसी वक्त तक सामने होती है, उसके बाद आपके दिमाग से वो चीजें उतर जाती हैं। फिर दिया है कि जब वाचन में इतना ध्यान नहीं जाता, इस कारण लेखन में भाषण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठ सामग्री, विषय सामग्री, भाषा व शैली के परिष्कार एवं विशेष ध्यान देना पड़ता है। आगे है, लेखन में भाषा शैली तथा विषय सामग्री आदि सभी दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। यही अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आपके अंदर लेखन का कौशल है। आगे दिया है, लेखन के माध्यम से साहित्य की विधाओं एवं शैली का निर्माण तथा विकास किया जाता है। जो साहित्य की विधाएं हैं उनका भी इन्हीं शैली के द्वारा निर्माण और विकास किया जाता है। साहित्य में स्थायीपन लेखन से ही प्राप्त होता है। लेखन से अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। लेखन जो आप लिखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसके कई साधन कौन कौन से वो रूप हैं, देखिए कहानी है, नाटक है, निबंध, कथाएं, आत्मकथाएं, संवाद, संस्मरण, जीवन, कविता, गद्य, गीत, काव्य आदि हैं, जिनके माध्यम से अपने आप भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये आपका हो गया लेखन। छात्रों को शिक्षण द्वारा इन विधाओं का ज्ञान कराया जाता है, ताकि इन विधाओं को यानी कि लेखन कौशल उनके अंदर जागरूक हो सके। फिर दिया है, स्वर के उतार चढ़ाव से शब्दों में शक्ति आती है, जिससे उसे प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि लेखन को देखकर कहने का तात्पर्य यही है कि लेखन कौशल एक वो है जिसमें आपको लिखते वक्त
अपने अक्षरों पर उसकी सुडौलता पर ध्यान देना पड़ता है और साथ में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक ऐसे शब्दों को यूज करना था जो प्रत्यक्ष रूप से केवल लिखना ही मात्र नहीं है, आप ऐसे तरीके से लिखें ताकि जो पढ़ रहा है उसे वो भी इस चीज को ऑब्जर्व कर ले, आपके भावनाओं को उसके अंदर वो भावनाएं प्रवाहित हो, तो ये आपका लेखन कौशल है। आप लिखते हैं अच्छा लिखते हैं बट ऐसे शब्दों गूढ़ शब्दों को यूज करेंगे तो वो आपकी भावनाओं से थोड़ा सा परे हो जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको देख रहा है पढ़ रहा है वो थोड़ा हट सकता है। तो यहाँ पे लेखन क्वेश्चन यानी कि आपकी जो स्थितियां हैं परिस्थितियां हैं उनके अनुसार आप शब्दों का उपयोग कर और अपने भावनाओं को व्यक्त करने का सटीक तरीका आपके अंदर है तो वो समझ लिए आपके अंदर लेखन कौशल है। अब आगे आता है आपका सुनने का कौशल। सुनने का कौशल क्या है? देखिए सभी लोग बोलते हैं सभी लोग सुनते हैं, लेकिन सुनना केवल कान में आवाज जाने मात्र का बात नहीं है, वरन आप सामने वाला आपने जिस भाव विचार से जो चीज कह रहा है आप उसे सुनकर अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वही भाव विचार अगर अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो ये आपके सुनने का कौशल है। अर्थात सामने वाले ने कहा दूध तो आपने कान से सुना दूध, आपके दिमाग में गया तो आपके दिमाग में जो छवि बनी वो दूध की छवि बनी, तो इसका मतलब हुआ कि आप समझ रहे हैं, आपके अंदर सुनने का कौशल है। पर कोई कहे आम आप सुने कान तो ये वो चीज नहीं, मतलब अगर सुनने में गड़बड़ी होती बात और है, लेकिन सुनकर उस चीज को समझना ही सुनने का कौशल है। आप सुनकर उसे समझ नहीं पाते तो ये सुनने का कौशल नहीं है। तो दिया है कानों द्वारा जो ध्वनियां ग्रहण की जाती हैं और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण अर्थात दिमाग में उस चीज की छवि का बनना को श्रवण कहते हैं। अब कोई स्टोरी आपको सुनाई जाती है आप सुनते हैं तो दिमाग में वो एक पिक्चर जैसे आप स्क्रीन पर देखते हैं उसी तरह से आपके दिमाग में वो स्क्रीन पर पिक्चर चलती रहती है, वो छवि बनती है। तो यही कहा जा रहा है कि वो अनुभूति और प्रत्यक्षीकरण अनुभव रसा स्वादन होता है, आपने चीनी खाया है तो आपको चीनी का एहसास है तो वो अनुभूति हुआ, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि आपके दिल और दिमाग में वो पिक्चर चलती रहती है जो आप कहानी आपको सुनाई जा रही है, तो सुनने का कौशल इसे कहते हैं। फिर यह इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव विचार मौखिक भाषा में के माध्यम से अभिव्यक्त करता है हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं तो यह हमारी यह क्रिया सुनना और श्रवण कहलाती है। आगे दिया है यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचार किस सीमा तक समझते और ग्रहण करते हैं, यह हमारी भावनाओं पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड आज के लेवल इतना ही, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि मूल्यांकन की प्रविधियां, मूल्यांकन यानी कि मूल्यों के द्वारा उसका अंकन करना, मूल्यांकन की प्रविधियां कौन कौन सी, इसे हम चौथी वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।